तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, उसके बाद इमरजेंसी पावर सप्लाई शुरू हो जाएगा। ओके। ये अंधेरे में भी साफ साफ देख पा रही है, किस मिट्टी की बनी है ये? बच्चे प्लीज थोड़ा जल्दी करो। चलो अब चलते। ये सच में हो रहा है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ? ये तो वर्चुअल रियलिटी वाला कोई गेम लग रहा है। ब्रो, वो बॉक्स यहाँ दो। ठीक हो? अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, सिर्फ 50 सेकंड बचे हैं। ओके चलो चले। अरे यार मैंने पहले ही कहा था लड़की को मत लेकर जा, प्रॉब्लम होगी। उसे चोट लग गई है क्या? ओए ओए, चलाता हूँ। एक लड़की मुझे गोद में लेकर आई है, अब मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा? तुम्हें मेरी ही वजह से चोट आई थी, इसीलिए मैंने उठाया। हाँ, रिवर पर जो हंगामा हुआ था तब सुना था तुम बहुत ताकतवर हो, पर आज तो देख भी लिया। वाह, तुम तो सच में सुपर वुमन हो। जिक जिक बहुत हल्का है, रुई की तरह। इससे ज्यादा बेइज्जती कभी महसूस नहीं हुई। अरे तुम चलाओ यार। हाँ चलाता हूँ। आप जल्दी से एंचॉन पोर्ट पर आ जाइए, हम आपका डिनर पर इंतजार कर रहे हैं। Hello.
उस दिन हेरिटेज क्लब में आपने ही मुझे वो कार्ड दिया था ना? हाँ। तब से मेरा पीछा कर रहे हो ना? क्यों कर रहे हो मेरा पीछा? आपको याद होगा मैंने ऑपोलेंटिया के बारे में बताया था और इसीलिए आपका पीछा कर रहा था। हमें उस तरफ जाना है। लेकिन वो नहीं। हाय मिस गोल्ड, आई एम मैक गवर्न। आपके सामने ऑपलेंटिया के वाइस चेयरमैन। आपके वाइस चेयरमैन ऐसे रास्ते पर खाना क्यों बना रहे हैं? मैं डाक्टोंजी बना रहा हूँ। बहुत लजीज है। चिकन लेग पीस खाएंगी? मेरी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर ने ऑपलेंटिया की शुरुआत की थी जब उन्होंने फिश मार्केट से बहुत पैसे कमाए थे। शायद उन्हें दुनिया को बेहतर बनाना था, तो अब हमारा फैमिली बिजनेस मेरी बड़ी बहन संभाल रही है। अब वो उसकी चेयरमैन है और मैं वाइस चेयरमैन। हम लोग शान से जिंदगी जीने के इरादे से पैसे नहीं कमाते। मेरे हिसाब से जिंदगी क्या है? अच्छे लोगों के साथ अच्छा खाना खाना और जो भी पैसा बचे उसे अच्छे कामों पर खर्च करना। जो पैसों का बुरे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें सजा दिलवाना। डाक्टर जीप चख कर बताना। बहुत लजीज है। मुझे आपका मकसद जानकर खुशी हुई। एक जैसी सोच रखने वाले लोग मुश्किल से मिलते हैं। लगता है मैं जो सोच रही थी वो सही है। दुनिया के किसी भी कोने से हम खुफिया जानकारी ला सकते हैं। हमारे पास इतना पैसा है कि CIA FBI जैसी ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हुए लोगों से हम मदद ले सकते हैं। हमारी पहुंच रशियन माफिया जैसे इलीगल ऑर्गेनाइजेशन तक भी है। तो आप लोग मेरे बारे में ये पता कर रहे थे कि मैं अच्छी हूँ या बुरी? हम ऐसे लोगों के साथ ही काम करते हैं जो अपने पैसों का सही इस्तेमाल करते हैं, और आप बिल्कुल वैसी ही शख्स हैं। आपको जो भी मदद चाहिए मैं उसके लिए तैयार हूँ। मिस्टर मैकगवन, चीयर्स। चीयर्स एवरीवन। एंजॉय। चीयर्स। फिर मिलते हैं। शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। मिलते हैं। मैं चलती हूँ। वो अकेली जा रही है, मैं उसे छोड़कर आता हूँ। इतनी रात को खतरा हो सकता है, तुम जा सकते हो। ये भूल गया है क्या? इसे अभी उसने बचाया है। समझ नहीं आ रहा कौन किसे लेकर जा रहा है। नामसुन, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। छोड़ने की क्या जरूरत है, मेरा घर तो सामने ही है। हाँ, लेकिन रात में खतरा होता है ना, यहाँ लोमड़ी और भेड़िए घूमते हैं, तो खतरा हो सकता है। जाओ, जाओ। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मजा आया, ये काम अच्छा है, और तुम्हें मेरी वजह से मदद मिलती है तो मैं क्यों ना करूं? तुम अच्छा कर रही हो। बाय बाय ब्रदर। अच्छा सुनो, तुम जो कुछ भी बोलती हो ना उसके आगे यो जोड़ दिया करो। चलो अब ट्राई करो। ब्रदर यो। अरे वाह, आप आ गए। माँ घर पे नहीं है क्या? यो, वो किसी जरूरी मीटिंग पर गई हैं। शायद वो वापस आ ही रही होंगी। फिलहाल वो इंचॉन में हैं।
ठीक है, मैं सोती हूँ। यो गुड नाइट। यो गुड नाइट। कहाँ रहती हो तुम? बहुत सुंदर हो। अगर अभी फ्री हो तो ड्राइव पर चलें क्या? ये सही लग रहा है। अरे हंगुम डोंग, ये यहाँ क्या कर रहा है? डेथ, मेरा मेरा प्रोफाइल। आजकल मेरी तुम लोगों में दिलचस्पी थोड़ी कम होती जा रही है। अजीब बात है, पता नहीं क्यों अचानक से लगाव कम हो गया है। ऐसा क्यों होगा? तुम में से कोई बता सकता है? मास्क को हाथ लगाया था तो अच्छे से हाथ धो लेना। गुड नाइट। लगता है अब समझ आ गया। गोल गोल गोल। फॉरेंसिक में भेजो। हीशिक फिर से थुगो में काम करने गया। वाह, ये तो हर मास्क का सैंपल लाए हैं। क्या लगता है इसमें ड्रग्स हो सकते हैं? हाँ, इस बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन आपने कांगनाम सुन के बारे में सुना है ना, जिसने गुंडों को मारा था? वो ताकतवर लड़की। हाँ, और वो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो हीशिक को बच्चों की तरह उठाकर दौड़ते हुए ला रही थी। गंगनम पुलिस स्टेशन में मेरा एक दोस्त है, उसने बताया था उस दिन जो बिल्डिंग में आग लगी थी, एक लड़की उसके चौथे मंजिल पर यूं उड़ के गई थी जैसे फिल्मों में दिखा। कुछ भी, वो एनिमेशन फिल्म की बात कर रहा होगा। अरे सच कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे फोटो भी आई थी। सोशल मीडिया का क्या है, वहां तो कुछ भी एडिट होकर पोस्ट हो जाता है। तो ऐसे यकीन नहीं करने वाला है ना? अब और सुन, वो उड़ने वाली लड़की की माँ गुमजू एक न्यूज़पेपर की ओनर है, बहुत रईस है वो। और ऐसी वैसी रईस नहीं है, उस औरत के मना करने पे न्यूज़पेपर वालों ने वो खबर छापी नहीं, इसीलिए किसी को कुछ नहीं पता। तो आपका मतलब है उस दिन वो जो उड़कर गई थी वो लड़की नहीं बल्कि उसकी माँ थी, है ना? मैं कह रहा हूँ माँ नहीं, लड़की उड़ी थी। इससे तो वंडर वुमन का नाम खराब हो गया। क्या आपको सच में लगता है ऐसा कुछ पॉसिबल है? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता। 20 साल ढूंढने के बाद अब जाके वो अपनी असली बेटी से मिल पाई है। उससे पहले जो मिली थी वो नकली बेटी थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। कांगन पुलिस स्टेशन। मुझे लियू हाजा के बारे में बताना है, मैंने उसे देखा है। हाँ, ये वही है जिस पर धोखाधड़ी का इल्जाम है, और मुझे यकीन है कि वो यहाँ पर फर्जी नाम से डिलीवरी का काम कर रही है। तो मुझे ये जानकारी बताने का पुलिस कितना इनाम देगी? आपने उस मुजरिम को कब और कहाँ देखा है? वो तो यहाँ थुगो के गोदाम में। हेलो, आप ठीक तो है? तुम्हें नहीं लगता मेरे वांटेड होने के बावजूद भी मेरे इसी शहर में काम करने के पीछे कोई वजह होगी? मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे जान से मारने के लिए बिल्कुल नहीं सोचूंगी। मैंने देखा है तुम मुझे कैसे घूरते रहते हो। अब ध्यान से सुनो, अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो तुम्हें मार कर तुम्हारे बदन का हर एक पुर्जा अलग करके आइस बॉक्स में डाल के कूरियर कर दूंगी, ताकि तुम्हारा परिवार आखिरी बार तुम्हें देख पाए। और तुम्हारी डिलीवरी मैं खुद करूंगी। जी बोलिए सर,
फॉरेंसिक से अगर उस मास्क के बारे में रिपोर्ट आ जाती है तो मुझे तुरंत कॉल कीजिएगा, ठीक है? मैं काम खत्म करके जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, बताता हूँ। कांगिशिक बोल रहा हूँ। हेलो सर, मैं योची हॉन बोल रही हूँ। हमें किसी ने कॉल करके बताया है कि उसने नकली कांगनाम सुन को देखा है। क्या सच में? तो हमें जल्दी उसकी जांच करके उसे पकड़ना चाहिए। पर उसने कॉल बीच में ही कट कर दिया, लेकिन उसने कहा कि उसने उसे थूगो में देखा है। थूगो? जी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन सब के पीछे थूगो का ही हाथ है। ऑफिसर योचियोन, आप उस लड़की के बारे में और जानकारी निकाल सकती हैं? मैंने इंस्पेक्टर योंगसू से जानकारी निकालने के लिए कहा था, देखिए उन्हें क्या पता चला। जी, मैं भी अपने खबरियों से उसकी तहकीकात कर रही हूँ। आप आराम से इस ड्रग केस पर ध्यान दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, और बाकी बातें मैं आपसे पुलिस स्टेशन में आकर करता हूँ। जी, गुड लक। ये हो क्या रहा है? वो लड़की आखिर थोगो में क्या कर रही होगी? कहीं नामसुन का पीछा करते हुए तो नहीं आई? आखिर क्यों? हाँ सुनो डॉबरमैन, वो कांगनामसुन भी थोगो में ही है। हाँ सच बोल रही हूँ, यहाँ डिलीवरी का काम कर रही है। पर इतनी रईस माँ मिलने के बाद तो उसको अभी ऐश करनी चाहिए थी, वो वहाँ पर काम क्यों कर रही है? वही तो मुझे भी पता करना है, पूरी दुनिया छोड़कर वो यहाँ पर काम क्यों कर रही है? हो सकता है ये भी नकली और इसे भी बुढ़िया ने लात मार के बाहर निकाल दिया हो, या फिर कोई और खास वजह है। देख, तू चाहे मेरे को कितने भी पैसे दे दे, मैं उस लड़की के आसपास भी नहीं जाने वाला। वो लड़की ना कोई आम लड़की नहीं है। मैं उसे जान से मारना चाहती हूँ बहुत जल्दी। अगर वो चुड़ैल नहीं आती तो आज सब कुछ मेरा होता। मेरा खून खौल रहा है। अच्छा सुनो, किसी हरामजादे ने मुझे पहचान लिया और पुलिस को खबर कर दी है। मैंने बोला था तेरा इस शहर में रहना खतरे से खाली नहीं है। अभी भी टाइम है, सोच ले। पुलिस तेरे को सब जगह ढूंढ रही है, डर नहीं लगता है तेरे को? मैं सबको मार डालूंगी और शुरुआत कांगनाम सुन से करूंगी। सुनो तर्चक। क्या हुआ? किमचन सॉक अभी तक आया नहीं? वो आ ही रहा होगा। तुम्हें नहीं लगता वो तुम्हारे ताकतवर होने का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहा है? तुम्हें नहीं लगता तुम हमसे सीनियर हो, उसका ज्यादा फायदा उठा रहे हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो बोलो, मुझसे दोस्ती करोगी? चलो ठीक है, दोस्त बना सकते हो। अच्छा एक बात बताओ तर्चक, तुम मंगोलिया में ऐसा क्या खाती थी जो इतनी ताकतवर बन गई? ये राज है। बताओ ना, ये राज राज ही रखूंगा। मैं हर रोज 100 अंडे खाती थी, पता है? 100 अंडे रोज खाती थी? सच में तुम 100 अंडे रोज खाती थी? और वो भी बिना पकाए खाने होंगे, कच्चे अंडे। ना उबालती थी ना ऑमलेट बनाती थी, कच्चे ही खा जाती थी। और मैं तो हर चीज एकदम कच्ची ही खाती हूँ, फिर सब्जी हो या फिर गोश्त हो। तो ये तुम्हारा ये राज है? किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और अगर तुमने किसी को बताया तो लोग मजाक उड़ाएंगे। राज किसी को कहाँ बताते हैं, और वैसे भी मेरे खानों को ही ये हजम नहीं हो रहा। कच्चे अंडे रोज, 100 अंडे रोज। मैडम जी, सुवांचो मैडम आपका इंतजार कर रही हैं। सुवांचो को मुझसे क्या काम? ओ, अरे हाँ, उनके पास तो पैसों की कमी नहीं है, तो क्यों आई? हेलो मिस चो, आप यहाँ कैसे?
बड़े दिनों बाद मिले। ज्यादा दिन नहीं हुए, हेरिटेज क्लब की पार्टी में मिले थे। हाँ ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। ये 10 कैरेट का ब्लू डायमंड। हाँ आप क्या चाहती हैं? इसके बदले 30 बिलियन वॉन चाहिए। यह एक रोदमेयर का कस्टम मेड डायमंड है। मेरे हस्बैंड ने यह हमारी शादी की 30वीं सालगिरह पर 5 बिलियन वॉन में बनवाया था। अब आपको इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? मेरे पास आने का मतलब है पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, या फिर ऐसे काम के लिए चाहिए जिसके लिए अपने हस्बैंड से नहीं मांग सकती। वजह बताना जरूरी है क्या? बिल्कुल, मेरे गोल्ड ब्लू का यही तो उसूल है, कोई कर्ज लेगा तो उसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे काम के लिए ही करेगा। आप ड्रग्स के चक्कर में तो नहीं पड़ गई? गुमजू ये कैसा बेहुदा सवाल पूछ रही हो? तो फिर बताइए आपको ये पैसे किस लिए चाहिए, जानना जरूरी है। हाय। हमें खबर मिली है। किस बारे में? वाजा थोगो में है। तुम पर जानलेवा हमला करने वाली को किसने थोगो में देखा है? अच्छा, उससे जल्दी मुलाकात होगी। इतनी खुश क्यों हो रही हो? तुम्हारी दोस्त है क्या? उससे मुलाकात नहीं, उसे गिरफ्तार करना है। और ऐसा करने से क्या होगा? जेल में डाल दोगे? और नहीं तो क्या? वो तुम्हें जान से मारना चाहती थी। मुझे पता है माँ ऐसा नहीं चाहती होंगी। माँ कहती है कि लोग बदल सकते हैं अगर मौका मिले तो। लेकिन ऐसे लोग कभी नहीं बदलते हैं। पर माँ ने कहा था कोशिश करने से हो सकता है। उस लड़की ने तुम्हारी घड़ियां चुराई और फिर हमारी बेटी को मारने की कोशिश की। मैं तो उसे माफ नहीं करूंगा। इसका पता मैं खुद लगाऊंगी कि इसने नाम सुन पर जानलेवा हमला करवाया था या नहीं। वो घड़ियां मैंने ही उसके कमरे में रखी थी ताकि वो ले जाए। ये तुम क्या कह रही हो? यानी तुमने जानबूझकर चोरी करवाई? समझ नहीं आता कि ये किस तरह का पागलपन है। गरीबी आदमी को अनजाने में बुरे काम करने पर मजबूर करती है, और मैं उसे बचाना चाहती थी। उसे बचाने के चक्कर में तुमने उसे चोरी करवा दी। तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? हंगम जो, तुमसे ज्यादा मतलबी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। क्या? और मैंने भी तुम्हारे जैसा भोंदू इंसान नहीं देखा। क्या तुम लोग बच्चों की तरह लड़ते रहते हो? चुपचाप बैठ जाओ, समझे? पैसों के दम पर तुम सबको कंट्रोल करना चाहती हो, सबको अपनी ताल पर नचवाती हो। पैसों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है बोंगो, और हमारा तलाक हो चुका है। दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जब भी मिलते हो ऐसे लड़ते रहते हो। दोनों में थोड़ा सा भी प्यार है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। ऊंची आवाज मेरे सामने? चलो बैठ जाओ, तुम्हें अलग से बोलूं। उसकी आंखों में प्यार देखा था जब उसने मुझे माँ कहा। वो उस वक्त सच में मुझे अपनी माँ ही समझ रही थी। उसकी आंखों में नजर आ रहा था मैं उसे बर्बाद नहीं होने दे सकती। कुछ पल के लिए ही सही मैंने उसे बेटी माना था। उसे माफ करके उसे सुधरने का एक मौका दूंगी। मुझे माँ पे पूरा भरोसा है। अच्छा झिकझिक, मास्क के बारे में कुछ पता चला क्या? हिशिक ने इस बार बड़ा रिस्क लिया, मगर लगता है हाथ में कुछ नहीं आया। मुझे लगा था उसने ये केस सॉल्व कर दिया है, क्योंकि उसे ट्रेनिंग में प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था। गलती तो हमारी है कि हमने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के सिर्फ एक अनजान मैसेज के आधार पे ये मिशन शुरू किया। हाँ, मिशन रोको और उसे वापस बुलाओ। उस कैदी से ड्रग्स खरीदने वालों की लिस्ट मिल चुकी है। हिशिक ने उसका क्रिप्टो वॉलेट ढूंढ निकाला और मैंने उसमें से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। सही है। सर कुछ हुआ? उस मास्क की रिपोर्ट आई क्या? हाँ, और उनमें हमें ड्रग का एक तिनका भी नहीं मिला, इसीलिए सर तुम्हें अभी वापस बुला रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, मास्क में ड्रग्स मिला ही नहीं? नहीं, हमारी गलतियों पर फिलहाल सबकी नजर है, तो वापस आ जाओ तुम। सिर्फ एक मैसेज के भरोसे ऐसे अंडरकवर मिशन करने के लिए सब लोग हंसेंगे हम पर, समझ गए ना? मास्क में ड्रग्स नहीं, ये कैसे हो सकता है? सर मैंने रियो शो के बारे में जानकारी निकाली, मगर 20 से 32 की उम्र तक उसके हमारे देश में होने का एक भी सबूत नहीं मिला है। उसने ये बिजनेस कैसे शुरू किया और उसके पास इतना पैसा कहां से आया, इसकी तह तक हमें जाना ही पड़ेगा सर। ये सब इनकम टैक्स वाले देख लेंगे भाई। पर मैं मिशन कंटिन्यू करने वाला हूं सर, दाल में कुछ काला तो है। मास्क में ड्रग्स नहीं है? नहीं, उसमें नहीं है।
पूरे देश में यही एक ऐसा फंड मैनेजर है जो वीकेंड पर वॉरेन बफेट के साथ वॉल स्ट्रीट पर लंच करता है। वो अमीरों का पैसा इन्वेस्ट करके कई गुना रिटर्न्स दिलाने में एक्सपर्ट है। जरूरत पड़ने पर शेल कंपनियां बनाकर उन्हें चलाता है। मैं ये आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके पास तो बहुत सारा कैश तिजोरी में पड़ा रहता है, लेकिन हम जैसे रईस कभी कैश नहीं रखते, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट ट्रांसपेरेंट होती है। ये मिस्टर ब्रेड बटर जो भी है टेढ़ा इंसान लगता है, पर मैं पता लगाऊंगी कि ये आखिर क्या चीज है। अभी तक आया क्यों नहीं? मेरे ऑर्डर्स ना मानने का अंजाम जानता है ना? जल्दी आता हूँ सर। मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। ओए ओए इधर आ। बाप का माल समझा जो रास्ते पे छोड़ के जा रहा है? जल्दी उठा और किचन में रख क्या। सॉरी सर, पर हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम होटल के दरवाजे तक ही सामान डिलीवर करते हैं। यहाँ से अंदर आपको ले जाना होगा। डिलीवरी बॉय होके मुझसे सवाल लड़ाता है? मैंने बोला ना ले जाने का तो अंदर ले जाने का, मुंह नहीं चलाने का। नहीं तो अभी थूकों में तुम्हारे खिलाफ खराब सर्विस की कंप्लेंट डालता हूँ, फिर तुम्हारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। कस्टमर किंग होता है। अब तुम्हें तुम्हारी औकात भी दिखानी पड़ेगी क्या? कोई बात नहीं है सर, हम अंदर रख देते हैं। धत तेरे की, अब लड़कियों से भी डिलीवरी का काम करवाने लगे ये लोग। हाँ तो सर, आप चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। मैं तेरी क्यों मदद करूं? ये तेरा ही तो काम है। पता नहीं कहां से आ जाते हैं ये, इसी काम के लायक है। चलो चलते हैं। तुम चले जाओ जिक जिक, ये आखिरी डिलीवरी थी और मुझे जाने से पहले अपना हिसाब पूरा करना है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कोई मुसीबत मोल मत ले। अरे हाँ पता है, अब तुम जाओ। चलो जाओ जाओ जाओ। मुझे देर हो रही है इसलिए जा रहा हूँ, कॉल करूंगा तुम्हें। ठीक है, बाय बाय। ये क्या है, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? सारा सामान वहाँ स्टोरेज रूम के अंदर रखना है बाकी सामान के साथ। यहाँ तक मैं लाई हूँ, अब तू नहीं रख सकता है क्या? क्या बोली, फिर से बोल। तेरी हिम्मत कैसे हुई, बोल। अरे नहीं 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 सर, इसके कहने का वो मतलब नहीं था, इसे माफ कर दीजिए। यकीन नहीं होता ये लड़की मुझे। नहीं नहीं, मैं कब से देख रहा हूँ ये मुझे ऐसे ही घूर रही है, आंखें नीचे कर लड़की। मुझे अब तेरी शक्ल देख के ही गुस्सा आ रहा है। क्या देख रही है, अंदर ले जा। ओहो कितनी बदतमीज है ये लड़की। जी सर मैं आ रहा हूं। तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। अरे पर कहां कहां कहां? लगता है इस आदमी की शामत आने वाली है, अब तो ये गया काम से। क्या हुआ? खाना खाने आई हूं। यहाँ क्यों बैठी है, और लोग आने वाले हैं क्या? नहीं मैं अकेले ही आई हूँ। क्यों, कोई तकलीफ है? दिखता नहीं, ग्रुप टेबल है। चलो उठ यहाँ से। जाओ और मेरे लिए एक सूप लेकर आओ, हैंगओवर वाला। क्या लेकर आना, बहरा है क्या? ये सच में पागल है। इस टेबल पर बैठी तो मुझे पागल बोल रहा है, सूप मांगा तो पागल बोल रहा है। मुझे कुछ नहीं सुनना, चल जाए यहाँ से। तुम्हें नहीं पता है क्या, कस्टमर से ऐसे बात नहीं करते। तुमने ही तो मुझे बोला था ना कि कस्टमर किंग होता है।
अब ऐसे ही पुतले की तरह खड़े रहोगे? जाओ और मेरे लिए सूप लेकर आओ। लाता हूँ, लेकिन तू पहले छोटे टेबल पर बैठ। नहीं नहीं, यहीं बैठूंगी। ए चल, उठ चल, यहाँ नहीं बैठने का, चल यहाँ से बाहर निकल। मेरे साथ बदतमीजी मत करो। अरे कितनी सस्ती टेबल है, अब चलेगा? अब यहाँ बैठ सकती हूँ अकेली? सूप लाओ। ये खोल कर दो। मैं कमजोर लड़की हूँ ना, मैं तो डिलीवरी के बाद तुम्हारा सामान बाहर से अंदर भी नहीं ला पाई। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे बॉस को कंप्लेन कर दूँ, तुम्हारे बारे में सोशल मीडिया पर लिख दूँ? बोलो, तुम बस पैसे देने वाले कस्टमर की इज्जत करते हो और जो तुम्हारे लिए काम करता है उसे नौकर समझते हो। रखो पैसे और बाकी पैसे तुम्हारी इस घटिया टेबल की मरम्मत के लिए। दूसरों की इज्जत करो, समझे? बदतमीज कहीं के। नहीं, यहाँ चाइनीज नहीं मिलता। यहाँ कैसे आना हुआ मैम? कार से। ब्रेड सॉन्ग, जिसे खा भी सकते हैं और गा भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं उनसे सिर्फ मिलना चाहती हूँ। माफ कीजिएगा, मगर आप उनसे बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकती। ये लो, इसे अपने बॉस को दिखाओ। मेरा बैंक बैलेंस देखकर वो अपॉइंटमेंट का नाम तक नहीं लेंगे। आप प्लीज बैठिए, मैं उनसे बात करके आती हूँ। किस्मत बदलने वाली है। थर्टी टू, ट्वेंटी सिक्स, एटीन। थर्टी टू, ट्वेंटी सिक्स, एटीन। क्या? थर्टी टू, ट्वेंटी सिक्स, एट। तुम तो मुझ पर लाइन मारने से रहे, तो ये नंबर्स क्या हैं? आज की ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी इंडेक्स और टेम्परेचर। ये मेरी छोटी सी कोशिश है कस्टमर्स के चेहरे पर मुस्कान लाने की, क्योंकि वो पैसे, शेयर्स, मार्केट, लोन, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, इनसे परेशान रहते हैं। क्या कार्टून है। उन्होंने आपको बुलाया है। नाइन्टी सिक्स, फोर्टी टू, सेवेंटी। 96, 42, 70. क्या हो सकता है? Oh yeah, so good. Oh, macaroni's home. Oh, macaroni's home. क्या मैं बैठ सकती हूँ? आप चाहे तो लेट सकती हैं। मैं आपसे एसेट मैनेजमेंट की सलाह लेने आई हूँ। कौन है? खोटूर? हाँ, कनेक्ट करो। होडोर, चिंता मत करो, फोन रखने से पहले ही तुम्हारे अकाउंट में 100 बिलियन रूबल्स आ जाएंगे। एक साथ सारे पैसे देना मुश्किल है, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट इस वक्त टैक्सेस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही है। जल्दबाजी मत कीजिए,
प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए माफ कीजिएगा, आपका बैंक बैलेंस देख के लगता नहीं कि आप पैसे बनाने के इरादे से यहाँ आई हैं। तो मैं आपसे सीधा मुद्दे की बात करूंगी। मैंने सुना है आप बेकार पड़े पैसों का सही इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर देते हैं। ब्लैक मनी? दूसरे देशों में आपके कितने अकाउंट हैं? एम्स्टरडैम में एक अकाउंट है, उसमें सिर्फ $50 मिलियन हैं। उन पैसों को बैंक में रखने से अच्छा है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। एम्स्टरडैम और एलमेर की सारी अंडरवैल्यूड प्रॉपर्टी की लिस्ट अगर आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूं। सरकारी एजेंसी आपके पैसों पर सवाल खड़ा करे इससे पहले रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए। इतना कैश रखेंगी तो टैक्स वाले पीछे पड़ जाएंगे। शिकागो के माफिया को कभी FBI वाले पकड़ नहीं पाए, लेकिन क्या हुआ, IRS ने उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया। यहां पर भी यही होने वाला है। लेकिन रियल एस्टेट को भी ट्रैक किया जा सकता है ना? कभी नहीं, रियल एस्टेट सबसे सेफ है। तहकीकात हुई भी तो सारी जानकारी डच गवर्नमेंट के पास गुप्त होगी। डच गवर्नमेंट मदद नहीं करेगी तो कोरिया कुछ नहीं कर पाएगा। अंदर की बात बताऊं, डच गवर्नमेंट उनकी मदद कभी भी नहीं करना चाहेगी। ऐसी बात है? जो भी डीलिंग्स मेरे और क्लाइंट के बीच होंगी वो सीक्रेट होंगी, उसे रास रखना होगा। आप बस मुझ पे भरोसा कीजिए। वैसे वॉल स्ट्रीट के बड़े खिलाड़ी होकर और आईवी लीग में बचपन बिताने के बावजूद हमारी भाषा साफ साफ बोल लेते हो। मैं अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलूंगा, मैं अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलूंगा। मेरे संस्कारों ने मुझे इस लायक बनाया है। वो सब छोड़िए, मेरी असिस्टेंट से अगला अपॉइंटमेंट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही काफी। ठीक है, चलती हूँ। ब्रेड बहुत पसंद है क्या? नहीं मतलब आपने नाम ही ब्रेड रखा है। ब्रेड का मतलब पैसा, और मुझे पैसे से प्यार है। थैंक यू, फिर मिलेंगे। अगला अपॉइंटमेंट फिक्स करके मुझे कॉल करना। जी 96 42 70, इसका क्या मतलब है? मेरा IQ, मेरे बेटे की कमर का नाप और 10 साल पहले हमें छोड़कर गए मेरे पापा की उम्र। ली ह्वाजा की सारी जानकारी इस फाइल में है। थैंक यू सो मच। सर वो अनाथ है, उन गुंडों के बीच बच्चों का एक गैंग भी है। गुंडों का लीडर अनाथ बच्चों को अगवा करता है और उन्हें ट्रेनिंग देकर अपने साथ रखता है, और ह्वाजा उनमें अकेली लड़की है। वो बचपन से ही बाकी बच्चों से तेज थी। 20 साल के होने पर बच्चों को गैंग का ऑफिशियल मेंबर बनाया जाता है और पैर पर निशान बनाया जाता है ताकि वो आसानी से नजर ना आए। ये निशान लड़ाई में मारे जाने वाले गैंग मेंबर की पहचान में काम आता है। ये एक तरह से उनकी परंपरा है। हिशिक, जल्दी आ। आता हूं। थैंक यू। थूगो में नजर रखने बोलूं क्या? फिलहाल जरूरत नहीं है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है। आइए नानी, आपके सूप के साथ डोनट बहुत टेस्टी लग रहा है। अच्छा कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन रोज मिल जाए तो मजा आ जाए। जो मिला वो ठूस लेते हो क्या? ना घटिया कॉम्बिनेशन है ये। अरे नहीं नानी, बहुत अच्छा है, खाकर तो देखिए। तुम्हें हर चीज अच्छी लगती है। मुझे माफ कर देना बेटा, ये सब मेरी ही गलती है। सासू माँ,
इतनी खूबसूरत बनके लंदन के शाही परिवार में शादी के लिए तो नहीं जा रही? दरअसल तुम्हारा ये जो नया बरिस्ता है ना, इतना हैंडसम है कि देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। मुझे उसके दिल में उतरना है, तो तुम दोनों मेरी मदद करो। खुशकिस्मती से आप इतनी शानदार जिंदगी जी रही हैं, तो अब किसी को जिंदगी में क्यों लाना? ससुर जी से कानूनन तलाक तो हुआ नहीं, और पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं। हाँ, यही सोच सोच के मैं पूरी रात नहीं सोई। चाची, आपको नाना जी की इतनी फिक्र हो रही नानी? उनकी मौत की खबर मिल जाए तो भी बहुत है मेरे लिए। कार्ड्स कह रहे हैं कि वो भी ईस्ट में कहीं है। मतलब वो जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है। ये भी कोई सवाल हुआ नानी? क्या करूं, पता नहीं कहां भटक रहे होंगे। जुंगान जी। ओ हाँ, मिस्टर सोजुन ही। जैसे हमने नामसुन को ढूंढा, वैसे आपके पति को भी ढूंढी लेंगे? मैं उसे खुद मौत के घाट उतारूंगी। इसके लिए तो मैं मर मिटने को भी तैयार हूँ, और अब यही है मेरी जिंदगी का मिशन। नामिन के सामने ऐसी बातें मत कीजिए, अपने जज्बात अपने काबू में रखिए। कभी कभी लगता है आपको और मम्मा को मेरी फीलिंग्स के बारे में जरा से भी परवाह नहीं है। आप अपने नाती के सामने ऐसी बातें कर रही हैं। तुम दोनों रोमांस के मामले में अंगूठा छापो और ऊपर से मजाक भी नहीं समझते। अब सुनो, जो भी मेरे इस मिशन में टांग अड़ाएगा वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हा? बाद में मत बोलना कि मैंने आगाह नहीं किया था, समझे? याद रखना। मिस्टर सो, इतनी डांट के बाद भी ठूसी जा रहे हो, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या? नहीं है, ये बहुत टेस्टी है। ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले ने आपको सिर्फ मेरे लिए, मेरा मतलब मेरे लिए इतनी अच्छी कॉफी बनाने को ही भेजा है। आपके हाथ की इस कॉफी के सामने दुनिया के महंगे महंगे जाम भी फीके हैं। आप सचमुच अपने आसपास के लोगों को खुश रखना बखूबी जानती हैं। आप तारीफ करती हैं तब मुझे भी मेरी कॉफी पर नाज होता है, क्योंकि मैं किसी की झूठी तारीफ नहीं करती। मिस्टर सो, ये जिंदगी बहुत ही छोटी है, सच कहा ना? ऐसा नहीं है जुंगान जी, मैंने हाल ही में जीनोम्स के ऊपर काफी रिसर्च करना शुरू किया है। कमीनों पर? दुनिया तो कमीनों से भरी पड़ी है, आपको उन पर रिसर्च करने की क्या जरूरत है? मजाक अच्छा कर लेती हैं आप। दरअसल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के मुताबिक अब हमारा 100 साल तक जीना लगभग मुमकिन हो गया है, मतलब जिंदगी और लंबी हो गई है। अच्छा, आपको इसकी बहुत खुशी हुई होगी। मेरी बेटी का फोन, उसे बात कर लेता हूँ। हाँ हेलो, हाँ बोलो युंजन। पापा, मैं मुसीबत में फंस गई हूँ। ऐसा क्या हो गया? मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है। बाप रे, अभी तुम कहाँ हो बेटा? गंगनम पुलिस स्टेशन में हूँ। सुनिए, वीडियो कॉल करके देखिए, वही है क्या? चेक कीजिए, कोई उसकी आवाज निकाल कर फंसा भी सकता है। सुनो बेटा, देखो तुम अभी वीडियो कॉल करो, मुझे तुम्हें देखना है। ऐसे कैसे तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया? पापा, मुझे डर लग रहा है। मैंने उनको 20 मिलियन वॉन नहीं दिए तो मुझ पर केस करके मुझे जेल में डाल देंगे, और जब तक केस कोर्ट में चलेगा तब तक मुझे जेल में ही रहना पड़ेगा पापा। नहीं नहीं, मैं पैसे भेजता हूँ, तुम फिक्र मत करो, उनका अकाउंट नंबर भेजो। मैं आपको मैसेज करती हूँ। माफ कीजिए जुंगान जी, मैं इन्हें जरा पैसे ट्रांसफर कर दूँ। हाँ, क्यों नहीं। क्या आपकी बेटी ने गंगनम पुलिस स्टेशन कहा? मेरी वहाँ बहुत पहचान है, चलिए चलते हैं, जल्दी चलिए ना। ओ, अरे किल मैडम जी, आप यहाँ कैसे आना होगा? किसी का एक्सीडेंट हुआ है, आपका ट्रैफिक डिपार्टमेंट कहाँ है? जी वो ऊपर है, पहली मंजिल पर। हाँ। आइए मेरे साथ। सुयुंजन के नाम पर कोई एक्सीडेंट नहीं है क्या?
लेकिन मैंने वीडियो कॉल पर देखा था, वो मेरी बेटी युंजन ही थी। मतलब जरूरी है डीप फेक कॉल था। डीप फेक कॉल? हाँ, आजकल ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। हाँ, आपने उसे पैसे तो नहीं दिए? वो मैंने जमानत के लिए उसी वक्त ट्रांसफर कर दिए थे। आपको कंप्लेंट दर्ज करवानी पड़ेगी। क्या मतलब मेरी बेटी का चेहरा दिखाकर उन्होंने मुझे लूट लिया क्या? हाँ। तो जल्दी करो, इनकी कंप्लेंट तो लिख लो। इसलिए ऊपर साइबर डिपार्टमेंट में जाना होगा। मैं चलता हूँ ना। क्या कभी ऊपर कभी नीचे एक जगह काम क्यों नहीं करते? दुनिया में अलग अलग तरह के जुर्म होते ना, जैसे आप मटन काटती हैं वैसे। क्या मतलब है तुम्हारा? ओ अरे मिस्टर सो, मिस्टर सो रुकिए। आपके पति हैं? नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है। मिस्टर सो, आपको याद है जिस आदमी की कार आपने पलट कर रख दी थी, उससे कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा। क्यों, क्या वो मर गया? नहीं नहीं, उसके मरने की रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा। ओ, लगता है मिस्टर सॉ बहुत गुस्सा हो गए हैं, बच्चों के लिए माँ बाप परेशान होते हैं। सुनिए, वो बहुत ही अच्छे और एक होनहार टीचर थे, लेकिन कुछ दिनों से वो बदले से लग रहे थे और सिखाने भी नहीं आते थे। आपको उनके बर्ताव में कुछ अजीब दिखा था? एक चीज सबको अजीब लग रही थी, बार बार पानी पी रहे थे, कभी कभी तो स्विमिंग पूल का भी पानी पीते थे। स्विमिंग पूल का भी पानी पीते थे? हाँ, कई बार पीते देखा था। आज भी वो क्लास के बाद वापस मुड़कर पूल का पानी पीने लग गए थे। जी सर, बोलिए। हाँ, क्या? पता नहीं यहाँ पर क्या तमाशा हो रहा था। सीरियसली, पर ऐसा क्यों हुआ होगा? मिस्टर सो, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? आपको 20 मिलियन वॉन गंवाने का दुख है? मेरी बेटी फिलहाल बीमार है, बड़ा ऑपरेशन हुआ था इसके, कहीं काम पर भी नहीं जाती थी। ये तो बुरा हुआ, अब क्या करें? पता नहीं ये कमीने मेरी बेटी का चेहरा और किस लिए इस्तेमाल करेंगे। उसकी माँ चल बसी है, तब से बड़े नाजों से पाला है मैंने उसे। ओ मिस्टर सो, उनका तो ये हमेशा का काम है, अब वो युंजन को भूलकर किसी और के नाम पर फ्रॉड कर रहे होंगे। उन्हें टारगेट पूरे करने होते हैं, उनके पास युंजन के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं होगा। उसका चेहरा वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, अब वो उसे कभी तकलीफ नहीं दे पाएंगे। आपको यकीन है ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल होगा, और अगर उन्होंने कुछ किया तो मैं सबक सिखा दूंगी। ये देखिए, उनके टुकड़े टुकड़े करके हड्डियां तक मसल कर रख दूंगी। ओह आप तो डर गए, ये तो मेरी खाना बनाने की छुरियां हैं, मैं तो बस आपको हौसला दिला रही थी। अब तो यकीन हो गया कि किसी को मेरा मजाक समझ ही नहीं आता। वैसे मुझे लड़ने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं है, मैं तो लफंगों को हाथों से ही मसल सकती हूँ। लगता है आप मेरी बात समझ नहीं रहे,
हम साथ में वक्त बिताएंगे तो आप मेरी बातें समझने लगेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ, पर आपकी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल भी बहुत रोया था, यहाँ दर्द हुआ था। क्या हम कहीं कुछ खाने के लिए चल सकते हैं? हैंगओवर सूप पसंद है आपको? जो भी आपको पसंद है मुझे वो चलेगा। हाँ, लेकिन नामिन को बताना पड़ेगा कि मुझे देर हो जाएगी। हेलो मिस्टर शो। ठीक है फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। तो हम कल मिलते हैं। और हाँ, आपको मेरी नानी के हरकतों की वजह से हमारा कैफे छोड़कर मत जाना, उम्मीद है आप नहीं जाओगे। वजन कम करना है ना? मैंने इसी गोली से कम किया है। तुम दिखने में वैसे हैंडसम लगते हो, पतले हो जाओगे तो हीरो दिखोगे। बढ़िया ज्ञान देने वाली। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली जाती हूँ। हाँ ठीक है, तुम वहां संभालो। इसकी असलियत सामने लाने में थोड़ा वक्त लगेगा। मुसीबत की जड़ तो असल में ये है। मिस थुंग, अंदर आ जाओ। कुछ ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेटर कई दिनों से गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, बताइए। मैं जानना चाहती हूं कुरियर कंपनी थुगो में ड्रग्स होने की खबर कितनी सच है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें थुगो का रशियन माफिया से कनेक्शन होने की जानकारी मिली है और रशियन माफिया कोरिया में आ चुके हैं। और मुझे रियुशियो के बारे में भी जानकारी चाहिए, जो उनका सीईओ है। रियुशियो ने थुगो की शुरुआत की, पर पैसे कहाँ से आए ये नहीं पता। हम अभी उसी का सुराग ढूंढने में लगे हुए हैं। पैसों का सुराग नहीं मिल रहा, इसका मतलब बिल्कुल साफ है, ड्रग्स का पैसा है। थुगो। नामसून मैडम अब घर में आ चुकी हैं। उनसे मिलकर आती हूँ। नामसून से कहना मुझे स्टडी रूम में मिले। जी। मिस्टर हांग। क्या हुआ? डेटिंग ऐप इस्तेमाल करते हो? मैं भी करती हूँ। मेरे प्रोफाइल में झांकना मत। यानी
मेरी तरह तुम भी अकेली हो? हाँ हूँ, बहुत अकेली हूँ। हम सब वैसे भी अकेले ही तो पैदा होते हैं। सबका पता नहीं। आप आ गई? कैसी हो थुंगनायंग? हेलो मामा। हेलो भांजी। मैम आपसे मिलना चाहती हैं, वो स्टडी रूम में है। ठीक है। माँ, मेरी नाम सुन, मेरी प्यारी बच्ची। तुमने कहा था पुलिस दोस्त के साथ क्या क्या किया वो सब बताओगी। मैं आज यहाँ यही बताने आई हूँ। तो बताओ ना। माँ, मैं थूगो कंपनी के लिए डिलीवरी करती हूँ। थूगो? वहाँ उन्होंने ड्रग्स छुपा रखे हैं। झिक झिक को वहाँ पर छुपाए गए ड्रग्स का पता लगाना है और मैं इसमें उसकी मदद कर रही हूँ। मेरी बेटी का इससे पाला पड़ना किस्मत का खेल है। लेकिन हमें लगा था मास्क में ड्रग्स होंगे, पर हम गलत थे। और झिक झिक कल से थूगो में काम करने नहीं आ सकता। उसके बॉस ने उसे मना किया मिशन करने से, क्योंकि खबर गलत निकली। और मुझे लगा थी इस आदमी का नाम रियोशियो है। देखा है इसे? गोदाम में देखा था। नामसून, तुम्हारी किस्मत में ये पहले से लिखा है। तुम्हारा मंगोलिया जाना, गुम होकर मुश्किल हालातों के साथ दो दो हाथ करके बड़ी होना, फिर मेरे पास वापस आ जाना, सब किस्मत का खेल है। तुम आम जिंदगी जीने के लिए नहीं बनी हो। हमें इस दुनिया को बचाना है, साथ में बचाएंगे। हम मिलकर बचाएंगे, मुझे यकीन है। देखो यहां पर कॉल किया था क्या उसने? मैं डेरी कॉइंस पर अटका हूं। उस कैदी के मर जाने के बाद ड्रग सप्लायर्स का पता ही नहीं चल रहा। और जेल में जो आदमी उसे मास्क देने गया था उसकी आईडी भी पूरी तरह से नकली थी। हाँ। यकीन नहीं होता इतनी सुरक्षा के बावजूद वो पकड़ा नहीं गया। वो नहीं पकड़ा गया, पर तुमने उसके लिए काम करने वालों का पता लगा लिया है। मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये ड्रग अब तक के सारे ड्रग्स में से कहीं ज्यादा खतरनाक है। पर वो कितना खतरनाक है इसका कोई आइडिया है? जितना मैं समझ पा रहा हूं लोगों में इसका असर 2 से 3 दिन तक रहता है। पर एक बात कॉमन है, हर कोई हद से ज्यादा पानी पीना चाहता है। पानी मत पीजिए, पानी से असर बढ़ता है। पानी से मिलकर ये और भी खतरनाक हो जाता है। पानी पीते रहेंगे तो इसका शरीर पर और भी असर बढ़ेगा और फिर ये आपकी जान ले लेगा। आपको पानी पीना बंद करना होगा सर। मैंने सुपरवाइजर से खुद बात की। आपके जाने से बहुत पहले सारे लोग घर जा चुके थे। सीसीटीवी चेक किया? वहां काफी अंधेरा था तो किसी की पहचान करना बहुत मुश्किल है। और हाँ, मैनेजर ह्यू ने एक वीडियो शूट करके कंपनी के बुलेटिन बोर्ड पर अपलोड किया था। वहां एक स्ट्रांग लड़की काम करती है, वो मंगोलिया से आई है। दोबारा अगर मेरा वीडियो बनाया तो शिकायत कर दूंगी, समझे? आप ठीक है ना? कुछ चाहिए आपको? सुनिए सर, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। ओके।
थूगो में ड्रग्स हैं, ये मैसेज तुम्हें मैंने भेजा था। तुम वहां थूगो में छानबीन करो और मैं रियुशियो के बारे में पता करती हूं। पता है मैं चीजें चुराती हूँ। वो जो भी करती है उस पर कड़ी नजर रखो और मुझे खबर देते रहो। कांग नामसून, उस पर पूरा भरोसा रखो। मैं नहीं रख सकता, वो गुस्से में बेकाबू हो जाती है। ऐसा लग रहा है वो किसी से प्यार करती है। इस उम्र में आप इश्क लड़ा रही हैं। इश्क लड़ाने की उम्र नहीं होती। मैं इस घर से जा रहा हूँ, अब पापा के साथ ही रहूंगा। एंटीडोट के बिना इसका इस्तेमाल करना खुद की तबाही खुद तय करने जैसा है। कुछ पल के लिए ही सही, मगर जो एहसास चाहिए वो मिल तो जाता है, उसके लिए मरना पड़े तो क्या हर्ज है। संभालिए सर, इसे खुद पर हावी होने मत दीजिए।